हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हाँ, हॉरर कॉमेडी जोनर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी, हाँ बेस्ट लिखा है, बट वन ऑफ द बेस्ट मूवी देखी जो मलयालम सिनेमा ने हमें दी है। वापस से मलयालम सिनेमा ग्रो कर रहा है, और जब उसकी पुरानी नींव देखी जाती है तो और पता चलता है कि हाँ ग्रो क्यों कर रहा है ये चीज़। ऐसे ही नहीं है कि बस आज क्या वेशम बना दिया, आज कुछ नई मूवी बना दी और चलने लगा, नहीं, पीछे है। मंजूमल बॉयस के भी पीछे चीज़ें करी हुई हैं अच्छी जो पता चलती हैं। मैं सोच रहा हूँ इराटा देखने की, बट वो हिंदी डब में है नहीं, अगर किसी को पता है कहाँ मिल जाएगी तो लिंक या कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो तुम्हें मजे देगी मंजूमल बॉयज जैसे, और अगर तुमने मंजूमल बॉयज के जो ब्रदरहुड है वो थोड़ा भी इंजॉय किया था और अब तुम उसको फन वाइब में देखना चाहते हो और ज़्यादा, तो एक मूवी लेके आया हूँ जिसमें लीड कैरेक्टर सेम है बट और कास्ट बदली है, पर जो एक्साइटमेंट या जेन्युइननेस होती है ना ब्रदरहुड की या दोस्ती की, वो सेम है उस जो मंजूमल बॉयज में थी उससे एक लेवल या दो लेवल ऊपर ही मान लो। इतने बकचोद लौंडे हैं, शराब पी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मूवी का नाम है रोमांचो, और जो मूवी है शुरुआत से बता रहा हूँ, देखो शुरुआत से पीछे आता हूँ। तो इस मूवी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के कमरे से, जहाँ एक बंदा पड़ा हुआ है उसकी आँखें खुलती है और हमें उसी के विजन से दिखाया जाता है कि जो बंदा है वो 7 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसके डॉक्टर ने बताया उसे, और उसके कंडीशन मिली कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम्हें दोस्तों से बात करने दिए जाएगा क्योंकि तुम बहुत सीरियस हो गए थे। तो हमें अब बैक स्टोरी दी जाती है एक नर्स के थ्रू बात करते हुए, जब वो बताता है कि क्या हुआ, क्यों हूँ मैं यहाँ। तो वो जो कैरेक्टर है वो बताता है कि मैं और मेरे 6 दोस्त एक जगह रहते हैं बेंगलोर सिटी में, वो एक बहुत कोने का घर है और हम बहुत खुश रहते हैं, मतलब बकवास करते हैं, खेलते कूदते हैं और जॉब के लिए दर दर भटकते हैं। एक का खुद का बिजनेस है, एक अपने के पास बंदी भी है, एक के पास उसी के पास नौकरी भी है, तो उसके पास दोनों चीज़ें हैं। हम सब सिंगल हैं, गेम खेलते हैं रात को बास्केटबॉल, खाते पीते सोते हैं, ऐसा सिस्टम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो बॉन्ड बता रहा होता है हॉस्पिटल में, वहाँ हमें उसके घर में ले जाया जाता है कैमरा के थ्रू, और फिर हमें बताया जाता है कि जो चल रहा है ये होता है बॉन्ड जो दोस्तों में होता है, फिर वो एक दूसरे से हंसी मजाक। बट एक दिन जब वो अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे को बास्केटबॉल खेलनी नहीं आती, कि चलो कुछ और गेम खेलते हैं, और वो उसके दोस्त मना कर देते हैं, तब उसे कहीं दिखती है एक चीज़ जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसका नाम है वीज़ा बोर्ड, हाँ, जो कि तुम्हें पता है वो बोर्ड गेम, हॉरर बोर्ड गेम। हाँ, तो वहाँ से स्टोरी चालू होती है जब वो आता है और कहता है कि देखो तुम्हें गेम खेलनी है, एक नई गेम लाया, मजे आएंगे, खेलो। लौंडे आते हैं क्योंकि बकचोद हैं, खेलने लग गए, पर जो कॉन्सिक्वेंसेज या जो चालाकी है जो उसने करी, उसने उंगली हिला के खुद एक्साइटेड किया लोगों के कि हम खेल नहीं रहे, आ गई अब भूत ने। बट उसे पता ही नहीं चला कि सामने वाला जो दोस्त था शायद से उसने भी उसका साथ दे दिया, बट उसे सच पता ही नहीं चला कि आ तो वही है। और भूतनी का नाम है अनामिका, ठीक है। तो मूवी की मूवी यहाँ से अपनी स्पीड पकड़ना चालू करती है, और फिर हमें जो बताया जाता है कि रोज़ वो भूतनी को बुलाते हैं, उसे सवाल करते हैं। बट जो ये भूतनी है इसको पर्सनल जाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो अगर आप जाएंगे तो आपकी टूटेगी जो भी आप समझ लें, हड्डियाँ, पैर, सब, और समझने वाले समझ चुके हैं। तो जैसे ही अगर आप उसके पर्सनल सवालों पे आते हैं कि आप कैसे मरी, आपके पापा कैसे थे, आपकी मम्मी कैसे मरी, वो चीज़ें उसको बहुत अट करती हैं। तो ऐसे ही एक दिन ये गेम खेल रहे होते हैं और एक बंदा गुस्से में पूछ लेता है कि तुम अपने बारे में बताओ, और वो जब होता है तो उसे बुरा लगता है और वो घूमने लग जाता है, तो उसे लगता है कि कोई और कर रहा है या वो खुद कर रहे हैं, बट सच ये नहीं होता, सच कुछ और ही होता है, सच्चाई से परे एक चीज़ होती है उनके साथ। और फिर जो मज़ा आता है स्टोरी में, तो एक दिन उन 7ों में से एक का बड़े भाई जैसा दोस्त आता है घर में, और वो ऐसे ही कहता है कि तुम ऐसे ही मजाक कर रहे हो, कुछ नहीं होता। वो उस भूतनी से पूछ लेता है कि मेरे पापा का नाम बता दे, तब मान जाऊंगा क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता ना मेरे पापा का नाम। तो वो जब होता है और नाम उसके चाचा का बताती है, वो बोर्ड पे लिखा आता है, तो उसका दिमाग सटक जाता है कि भाई तुम मेरे को पागल बना रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, क्या कर रहे हो, ये खेल वेल मैं नहीं खेलूंगा, मेरे साथ मत खेलना ऐसा। तो जब ये होता है तब जो लीड है उसको पता चलता है कि हाँ कुछ हो चुका है और हमें ये खेलना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे।
तो जब ये बाप का नाम गलत वाली सिचुएशन होती है, उसके बाद से मूवी टर्न करती है कि अब से ये गेम नहीं खेली जाएगी इस घर में, तो संभल के रहना। बट अगर तुम मूवी में भूतनी को बुलाते हो तो भूतनी अपने आप वापस नहीं जाएगी और ना तुम्हारे कहने पे जाएगी, अपने आप जाएगी जब मन होगा। तो ऐसे ही मूवी में होता है, वो नहीं जाती, 27 दिन पड़ी रहती है, किसी और को बुलाते हैं कि तू खेल, तेरे को आता ना बढ़िया से खेल, बता, मना हो रही होती है। बट जब वो आता है, वो 27 दिन निकलवाता है और वो पूछता है ऐसे अजीब सवाल कि तुम मैंने मारना चाहती हो ना, और वो जैसे ही ये पूछता है सब हड़बड़ाहट में उसको मुक्के मारते हैं कि निकल निकल चल। उसके बाद मूवी में एक कैरेक्टर आता है जो थोड़ा अजीब है, दो घर से निकाला जा चुका है, और क्यों निकाला जा चुका है वो तुम मूवी में देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा मजा आएगा। और इस घर से भी निकाला जाएगा कि नहीं वो तुम्हें मूवी में जाके पता चलेगा। और जो मैंने तुम्हें कैरेक्टर बताया उसकी जो हंसी है ना वो इतनी क्रीपी है, मतलब इस पूरी मूवी में एक्टिंग ही जान है कैरेक्टर्स की। तुम देखोगे कुछ कुछ सीन ना बहुत ही अजीब लगते हैं भाई, तुम देखते हो कि अरे कोई ऐसा कर दे मेरे साथ, मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई। और वो जो भागने वाला सीन है डर में, ये कोर एलिमेंट है, मेरे को लग रहा था कि मैं डरूंगा, वैसे थोड़ा डर अभी तो मैं ना नीचे अकेले मूवीज देखता हूँ, बट मैंने क्या किया मैं ऊपर आ गया कि कुछ भी हो तो रोशनी हो थोड़ा अच्छा लगेगा, अब वापस जाऊँगा एडिट करने नीचे। और फिर जीबी सीबू सलमान जो उसका दोस्त है उसको कह देता है कि तू चला जा यार, उसे लगता है इसके बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी, बट ऐसा नहीं है। वो एक दिन वापस से अपने दोस्तों को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा मेरे दोस्त की वजह से हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, भूतनी मैं लाया था। और फिर जो वो वापस से वो गलत फहमी के साथ चालू करने जाता है वीजा बोर्ड, और फिर वो जो रिपरकशन होते हैं उसकी वजह से आज वो हॉस्पिटल में, हमें पूरी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, एंडिंग ऐसे क्लोज नहीं किया गया बहुत अच्छे से। वो सेकंड पार्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि क्या हुआ कैरेक्टर के साथ कि वो यहाँ पड़ा हुआ, बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी बट ऐसा क्या हुआ कि उसको यहाँ पड़ा हुआ नहीं पड़ा। तो उसने बताया कि आखिरी चीज़ उसने जो देखी थी वो उसने ये देखी थी कि एक आत्मा उसके बैग में बैठ गई, और वो बैग लेके आ रहा उसका खुद का दोस्त सीबू सलमान उसके वार्ड में जिस हॉस्पिटल में वो रुका हुआ है अपने उसके घर से। तो मूवी अब यहीं से स्टार्ट होगी, अब देखते हैं दूसरी मूवी में क्या ही गुल खिलाते हैं ये लोग। मलयालम सिनेमा कुछ अलग ही क्रिएट करता है, पता नहीं कैसे बट कर देता है, और वो जो फील है ना वो अच्छा दिलाती है तुम्हें एज अ ऑडियंस के। हाँ कोर एलिमेंट जो होता है ना उनका रिलेशंस जो वो दिखाते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील होते हैं कि हाँ ऐसे ही तो होता है सब जगह। तो वही है जो इसका इम्पोर्टेंट या जो बेसिक पॉइंट है जो इस मूवी को ऊपर ले जा रहा है। तो हाँ आज का मूवी रिव्यू इतना ही था, और कमेंट सेक्शन में तुम अपनी मूवी रिकमेंडेशन दे सकते हो जो तुम चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं। तो मिलता हूं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से दूर रहना, और आते रहना अल्फा वर्ल्ड पे। बाय बाय।